इल्म का समंदर हकीम मुफ्ती अहमद हसन साहब, जिन्होंने जयपुर की गंगा जमनी तहसीब और यूनानी चिकित्सा की परंपरा को जीवन भर संजोए रखा। मुफ्ती साहब जयपुर के न सिर्फ एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे बल्कि वो यूनानी चिकित्सा के विशेषज्ञ भी थे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ दुआ और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। मुफ्ती अहमद हसन कई शास्त्रों और विद्याओं के जानकार थे। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू भाषाओं में गहरी महारत हासिल की थी। साथ ही वो यूनानी चिकित्सा पद्धति के एक जाने माने हकीम थे। मुफ्ती साहब ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी और दीनी तालीम की रोशनी फैलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उनके इलाज की लोकप्रियता सिर्फ आम लोगों में ही नहीं थी बल्कि बड़े नेता, अभिनेता और देश विदेश के प्रमुख हस्तियां भी उनके मरीज थे, जिनमें कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सऊदी अरब के कई शेख शामिल हैं। ज्ञानी जैल सिंह के नाम पर तो उन्होंने एक खास यूनानी दवा खमीरा जैल सिंह भी बनाई थी। मुफ्ती साहब का जन्म 1914 में राजस्थान के टोंक शहर के अब्दुल मजीद खान के घर हुआ था। उन्होंने टोंक रियासत से यूनानी चिकित्सा में प्रमाण पत्र हासिल किया और वहाँ की मदरसे फुरकानिया से हदीसों की पढ़ाई की। उन्होंने कुरान पाक की हिफ्ज किया और कारी की डिग्री भी हासिल की। 1950 में रियासतों के खात्मे के बाद मुफ्ती साहब अपने परिवार के साथ जयपुर आ गए। रामगंज चौपड़ के पास इरफानी दवाखाना नाम से अपना क्लिनिक शुरू किया। या उन्होंने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में अपने हुनर का प्रदर्शन किया और जल्द ही उनका नाम जयपुर और देश भर में मशहूर हो गया। मुफ्ती अहमद हसन साहब ने न सिर्फ एक बेहतरीन चिकित्सक थे बल्कि जयपुर की गंगा जमनी तहजीब के भी प्रतीक माने जाते थे। वो भाईचारे के समर्थक थे और उनके जीवन में मूल्य हर कदम पर दिखते थे। 2016 में उनका इंतकाल जयपुर में हो गया। उनके जाने से चिकित्सा और दीनी इल्म की दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ। आज उनके बेटे हकीम जाहिद हसन उनके कदमों पर चलते हुए यूनानी चिकित्सा और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, उनकी याद में राजधानी जयपुर में एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।